नमस्कार दोस्तों, बतो साथ आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि सिर्फ एक सेटिंग करने पर आप अपने फोन के अंदर वायरस की एंट्री होने से बचा सकते हैं। जी हां, सिर्फ आपको एक सेटिंग करनी है जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और आपका फोन हमेशा के लिए वायरस से प्रोटेक्ट हो जाएगा। दोस्तों तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर भी जरूर टच कीजिए ताकि इस तरह की नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लगातार मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री भी होता है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि कौन सी वो सेटिंग है जिसकी मदद से आप अपने फोन के अंदर वायरस की एंट्री होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं या अपने फोन को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों आपके फोन के अंदर वायरस की एंट्री होने का सबसे जो मेन एक माध्यम होता है वो होता है प्ले स्टोर। दोस्तों आप बहुत सारी वीडियोज या बहुत सारे आपको लिंक मिलते हैं, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद प्ले स्टोर पर आते हैं, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और एप्लीकेशन जो वो होती हैं बहुत सारी तो जेन्युइन होती है, बहुत सारी फ्रॉड होती हैं जो आपके फ़ोन के अंदर मेलवेयर या बहुत सारे वायरसेस को एंट्री करवा देती है और आपके डाटा को कैप्चर कर लेती है और आपको पता भी नहीं चलता। तो यहीं पर आपको एक सेटिंग करनी है, वो सेटिंग क्या है वो आपको ध्यान से देखनी है। आप अपने प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर तीन लाइनों के ऊपर क्लिक करना है। तीन लाइनों के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन मिलेगा प्ले प्रोटेक्ट, ठीक है, यहाँ प्ले प्रोटेक्ट के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ प्ले प्रोटेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने प्ले प्रोटेक्ट को ऑन किया हुआ है और यहाँ पर ये स्कैन करने के लिए बीच बीच में कहता रहता है। तो यहाँ पर मैं स्कैन करूँगा, उसके बाद ये इस तरह से बता देता है कि कोई प्रॉब्लम या कुछ डिटेक्ट तो नहीं हुआ इससे कोई किसी भी एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर मैंने किया हुआ है। अब आपको करना क्या है, ऊपर आपको सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, इस सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है सेटिंग के ऑप्शन पर। अब देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ये एक पहला और एक ये दूसरा। तो पहला ऑप्शन क्या है कि ये आपका जो फ़ोन को डिटेक्ट करता है यानी कि प्रोटेक्ट करता है जब भी आप कोई एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से, तो इंस्टॉल करने के बाद ही ये आपको एक मैसेज दे देगा कि आपका ये जो एप्लीकेशन है वो यूज़ करने के लिए सिक्योर है या नहीं। तो ये पहले से ही आपको यहाँ पर मैसेज कर देगा, उसके बाद ही आप उसको चलाइए या फिर वहीं के वहीं आप डिलीट कर दीजिए। अगर ये इस तरह का अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है कि सिक्योर है अगर चलाइए, अगर नहीं है तो इसको मत चलाइए। अब बात करते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। तो दूसरा ऑप्शन में क्या है दोस्तों कि ये जो है आपके फ़ोन के अंदर जो वायरसेस, मान लीजिए किसी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर ली उस टाइम डिटेक्ट नहीं हो पाया और दोबारा जब कोई वो इस तरह का मालवेयर या कुछ आपके फ़ोन के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशन जब बीच बीच में लिंक जब हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी वो दूसरे एप्लीकेशनों को लिंक दे देते हैं डाउनलोड करने के लिए, तो उस कंडीशन में भी ये आपको यहाँ पर नोटिफाई करेगा, आपको सचेत कर देगा कि इस एप्लीकेशन के थ्रू आपके फ़ोन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें इंटर करवाई जा रही हैं जो ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों जो सेटिंग है इनको आपको ऑन करके रखना है, जैसे कि आपने देखा मैंने भी ऑन करके रखा हुआ है, और इससे बस ये मदद आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी कि जब भी आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद ये आपको एक मैसेज ज़रूर शो करेगा। अगर एप्लीकेशन अच्छी है तो वो सिक्योर बताएगा, अच्छी नहीं है तो वहाँ पर वो आपको बता देगा कि अनसिक्योर है। और बीच बीच में आप जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था तो वहाँ पर आपको यहाँ पर सिक्योर के ऑप्शन पर जब आप प्ले प्रोटेक्ट पर जो अभी शुरू शुरू में आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा था, तो ये आप यहाँ पर स्कैन भी कर सकते हैं। तो स्कैन करने के बाद पूरा फ़ोन ही आपका स्कैन हो जाएगा, जो भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन के अंदर होगी सारी स्कैन हो जाएगी और वो यहाँ पर आप उसको जो भी डिटेक्ट कुछ होता है तो यहाँ पर आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन को। तो सिर्फ एक ये सिंपल सी एक सेटिंग करके आप अपने फ़ोन को वायरस से इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।